આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હમેશ સત્યની સાથે. જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર. यूपी चुनाव के मद्देनजर मथुरा जनपद के डीएम एसएसपी ने छाता विधानसभा का अर्धसैनिक बल के साथ किया फ्लैग मार्च. जनपद मथुरा थाना छाता क्षेत्रांतर्गत कस्बा छाता में जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा केंद्रीय अर्धसैनिक बल व पुलिस बल के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष सकुशल संपन्न कराने के हेतु फ्लैग मार्च किया गया. छाता मथुरा से आइए देखिए वीडियो. कैमरा पर्सन गौरव कृष्ण गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट युवराज डॉक्टर केशव आचार्य गोस्वामी. देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित डेट्स का ऐलान कर दिया गया है, जिसके साथ ही आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रभावी हो गया है. इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे और डीएम साहब द्वारा लगातार और बाकी सभी अधिकारियों द्वारा लगातार क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है. विशेष रूप से जो हमारे क्रिटिकल बूथ्स हैं, वल्नरेबल एरियाज हैं, उनका भ्रमण किया जा रहा है. जहां पर बाहर से फोर्स को आकर के रुकना है, उनकी व्यवस्थाएँ और सुविधाएँ देखी जा रही हैं. जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, उनका विजिट किया जा रहा है. यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए और प्रलोभन मुक्त इलेक्शन करवाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं. आज उसी क्रम में जो एरिया डोमिनेशन के लिए हमें सीआरपीएफ की फोर्स यहां पर उपलब्ध हुई, उसके साथ कस्बा छाता में एरिया डोमिनेशन के तहत रूट मार्च किया जा रहा है, उसी में आज हम और डीएम साहब यहाँ पर आए हैं. मैं आपके माध्यम से जनपद मथुरा की के रहने वाले सभी से अपील करूँगा कि आने वाले दिनों में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव होगा तो उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए, शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए, निष्पक्षता से उसको संपन्न कराने के लिए और बिना किसी प्रलोभन भय के संपन्न कराने के लिए हमारा सहयोग करें. आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुविधा के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सभी प्रबंध किए जा रहे हैं.